वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि हम ओरेकल एपेक्स में बैकअप्स कैसे लेते हैं। देखिए, बैकअप्स भी दो किस्म के होंगे। एक तो आप अपनी वर्क स्पेस का बैकअप ले सकते हैं और एक आप अपने डेटाबेस का बैकअप लेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होता है, अगर आपने अपनी वर्क स्पेस का बैकअप लेना है तो आप जाते हैं अपने वर्क स्पेस में और एक्सपोर्ट करते हैं। मगर हम चाह रहे हैं कि यूज़र इंटरफेस हो जो यूज़र किसी बटन पे क्लिक करे और आपकी वर्क स्पेस का बैकअप आ जाए और इसी तरह आपकी डेटाबेस का भी बैकअप आ जाए। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन बैकअप एंड डेटाबेस बैकअप। ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन बैकअप के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे और फिर एक क्रिएट प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में एक्चुअली हम अपनी जो वर्क स्पेस का बैकअप है उसको अपना टेबल में भी सेव करेंगे, आपकी एप्लीकेशन आईडी और आपके एसक्यूएल फाइल के कंटेंट और डेट। और फिर हम क्या करेंगे, एक एजेक्स कॉल बैक प्रोसेस बनाएंगे और जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस कॉल होगा और आपके एप्लीकेशन का बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। तो ये होगा एप्लीकेशन का बैकअप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस का बैकअप लेंगे। डेटाबेस का बैकअप में हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम एक बैच फाइल बनाएंगे। ठीक है, एक बैच फाइल बना देंगे और एक हम बना देंगे जॉब शेड्यूलर। अच्छा, ये शेड्यूलर क्या करेगा, एक्चुअली शेड्यूलर करेगा आपका ऑटोमेटिकली आपकी एक जो आप उसको एक टाइम देंगे कि ये डेली बैकअप दिन को 11 बजे ले, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये शेड्यूलर चलेगा और दिन के 11 बजे आपका एक बैकअप हो जाएगा। तो ये जॉब शेड्यूलर होगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टाइम पे बैकअप लेना भी, तो आप मैन्युअली बैकअप भी आप उसका ले सकते हैं। आप एक बटन होगा, आप क्लिक करेंगे और आपका बैकअप हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे। तो चलते हैं अपने वर्क स्पेस की तरफ और इसको देखते हैं। ये मैं अपने वर्क स्पेस में आ चुका हूँ, एक पेज बना हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अब इसे रन करें तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, अब तक कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक मैंने रीजन बनाया है, एप्लीकेशन डेटाबेस बैकअप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जल्दी से हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पर, बैकअप ऐप एप्लीकेशन बैकअप। ठीक है जी, ये आपका एप्लीकेशन बैकअप आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक एजेक्स प्रोसेस बनाते हैं। यहाँ पे एजेक्स प्रोसेस बनाया आपने, चलें इसका नाम ABC रख लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलो अब हम इस एजेक्स प्रोसेस को समझते हैं। देखें, सबसे पहले क्या है, कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन है आपके। ठीक है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एल ब्लॉब है, ये ब्लॉब है, अच्छा ये ऑफसेट है, अच्छा ये ब्लॉब, ये क्या है, अवेलेबल टू स्टोर द ब्लॉब डेटा बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा, स्टार्टिंग ऑफसेट फॉर द डेस्टिनेशन एंड सोर्स ड्यूरिंग द ग्लोब टू ब्लॉब कन्वर्जन। अच्छा, ग्लोब और ब्लॉब में क्या फ़र्क है, एक्चुअली ग्लोब जो होता है वो आपकी लार्ज टेक्स्ट फाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है और ब्लॉब आपका बाइनरी डेटा होता है जिसमें हम अपनी ऑडियो वीडियो या आप इमेजेस वगैरह सेव करते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हमने एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया, हम एक अपनी टेबल भी क्रिएट करेंगे। टेबल देखें, मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। कंटेंट देखें आप इसका, एप्लीकेशन आईडी, ऐप बैकअप, इसकी टाइप क्या है, क्लॉब है, और ये डेट क्रिएटेड। तो ये तीन चीज़ें हैं डेटाबेस पे हम इसको सेव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं इसमें से। सबसे पहले हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं एप्लीकेशन इस टेबल से। और ये एक्सपोर्ट एपेक्स ऐप, एक्चुअली ये एक प्रोसीजर है डेटाबेस का। ये क्या करेगा, आपके जो एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है इसको किसमें सेव कर देगा, आपके टेबल में सेव कर देगा। ये इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये इसमें हम अपना डेटा जो इंसर्ट करवा रहे हैं वो इस प्रोसेस के प्रोसीजर के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने इसके कॉन्टैक्ट ले लिए, अपनी ऐप बैकअप के कॉन्टैक्ट ले लिए।
एल इसमें सेव कर लिया, एल क्लॉब कंटेंट में। अच्छा, फिर हमने एक टेम्परेरी ब्लॉब फाइल बना ली। ये देखें, ये ब्लॉब फाइल आपकी बन रही है पूरी टेम्परेरी। हमने ब्लॉब फाइल बनी यूजिंग दिस इज यूज एज अ डेस्टिनेशन फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम क्लॉब टू ब्लॉब। अच्छा, अब हम कन्वर्ट करें क्लॉब टू ब्लॉब। ये जो पूरा कोड है आपका, ये है क्लॉब टू ब्लॉब कन्वर्जन, राइट। ये पूरा है, देखें, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं फाइल अपलोड करूँगा। अच्छा, इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ द डेटा टू कन्वर्ट, ये आपकी अमाउंट आ गई, ऑफसेट आ गया, SRC ऑफसेट आ गया, ये CSID आ गई, ये सब है। और ये फाइल डाउनलोड के लिए पूरा कोड है आपका। जो आपकी फाइल डाउनलोड होगी, जब आप बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड होगी उसका कोड, सारा ये कोड है आपका। रिस्पॉन्स बफर में जाएगी आपके, ये टाइप हेडर आ जाएगा, इसकी साइज़ आपको बता देंगे और क्लोज सेट, ठीक है। और ये जो है ना, ये कोड आपका डाउनलोड फाइल, ये आपको फाइल को डाउनलोड करेगा। देखें, आपको यहाँ पे कोड कोड होगा, आप ये फाइल को आपको डाउनलोड करके दे देगा यूज़र टू डाउनलोड। और ये फिर आपका स्टॉप एपेक्स इंजन, ये क्या करेगा, स्टॉप द एपेक्स इंजन टू टर्मिनेट द पीएल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट क्लीनली आफ्टर द डाउनलोड, इसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है जी। ये पूरा कोड है, और ये आप ज़रा डिफरेंस देख लें क्लॉब टू ब्लॉब में। अच्छा, क्लॉब किस लिए इस्तेमाल होता है, ये करेक्टर डेटा होता है टेक्स्ट फाइल में होता है, और ये आपका ब्लॉब बाइनरी डेटा होता है, इमेज वीडियो और ऑडियो। अच्छा, यूजेज क्या है, लार्ज टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स, और ये मल्टीमीडिया फाइल, ऑडियो वीडियो और इमेजेस। यूज डेटाबेस करेक्टर सेट, इसका कोई करेक्टर सेट है, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, अप टू 4 GB, दोनों की सेम स्पेस है। अच्छा, ये जैसन है, XML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये आपके क्लॉब में सेव होते हैं, और ये आपके ऑडियो वीडियो और PDF फाइल आपके ब्लॉब में सेव होते हैं, ठीक है जी। ये पूरा कोड था, हमने पूरा एक कोड बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो अपना बटन बनाया था, ठीक है, इसको हम बना क्या करना है, रीडायरेक्ट टू दिस पेज URL, आपको इसको इसी UR पे ले जाएं। पेज नंबर क्या है हमारा, सेवेंटी सेवन पे रहेगा ये, आपका 27 पे रहेगा, ठीक है जी। और एडवांस में आकर आप रिक्वेस्ट में कर दें कि ये प्रोसेस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ABC, जो हमने ये प्रोसेस बनाया है एजेक्स कॉलबैक्स का प्रोसेस ABC, ठीक है। फिर आप समझ लें हमने क्या किया कि इस पे जब क्लिक करे तो इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, और क्या कर दे, वो रिक्वेस्ट कर दे कि ये प्रोसेस आपका एजेक्स का प्रोसेस रन हो जाए। उसको सेव करें, ओके करें, उसे आप रन करें, ठीक है जी। उसे रन एप्लीकेशन करें, तो ये देखें आपकी SQL की फाइल, आपकी जो बैकअप है, आपको यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो रही है। ये देखें, इसमें कुछ फाइल है पहले भी डाउनलोड हुई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दिस वन, या आप ये सब डिलीट करते हैं, ठीक है जी। अब इसको दोबारा एप्लीकेशन करें, देखें ये उसी पेज पर रहेगा, और आपकी SQL की फाइल, देखें फाइल डाउनलोड होगी। इसका आप साइज भी देख लें, ten twenty-six, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड। अगर हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं, एक्सपोर्ट है उससे, एक्सपोर्ट यूटिलिटी से, तो फिर इसका साइज चेक करते हैं हम, कितना साइज है इसका, साइज तकरीबन सेम ही होगा, साइज इसका देखें 102, तो सेम साइज है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन का बैकअप ले सकते हैं, राइट। तो इसको हम रैपअप करते हैं, देखते हैं हमने क्या किया। हमने एक्चुअली ये किया, एजेक्स प्रोसेस बनाया हमने एक, ठीक है जी।
एजेक्स प्रोसेस का ये कोड मैंने आपको डिटेल में बना दिया। अच्छा मगर ये देखें, ये इस प्रोसेस को हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है जी। अच्छा इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोसेस है वो, ठीक है जी। क्रिएट रिप्लेस प्रोसेस एक्सपोर्ट्स एपेक्स ऐप, ये एप्लीकेशन आईडी जाएगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, वेरिएबल डिक्लेरेशन है आपकी, वी फाइल स्टोर द, अच्छा इसमें क्या आपकी एक्सपोर्ट फाइल एप्लीकेशन यूजिंग द, ये आपकी सेव हो जाएगी इसके कंटेंट। अच्छा क्लोव होल्ड द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन, आपका क्लोव है जो इसके कॉन्टेंट को उसमें स्टोर कर देंगे। और उसके बाद एक कर्सर डिक्लेरेशन है आपकी, यहाँ देखें आपकी कर्सर की एक डिक्लेरेशन है, ये हमने कर्सर डिक्लेयर किया है यहाँ पर आपके, ठीक है। सिलेक्ट एप्लीकेशन आईडी फ्रॉम एप्लीकेशन, ये टेबल से हमने इसको रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये उसके कॉन्टेंट आपने वी फाइल में लिया और इसमें वी फाइल डॉट कॉन्टेंट इसको आपने क्लोब में कन्वर्ट, अपने इसको क्लोब में ले लिया वी फाइल के कंटेंट को, और इस पर क्या किया हमने अपने एप्लीकेशन में इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। कमिट किया और एंड हो गया। ये एक्चुअली आपका एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस है जो एप्लीकेशन में बना हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो एप्लीकेशन है वो हमारी टेबल में सेव हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है यार, हाँ ठीक है, इसका बैकअप इतने बजे हमने लिया है कि 12 नवंबर को देखें इसका बैकअप आया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम बैकअप लेंगे इस किसी भी एप्लीकेशन आईडी के हिसाब से वो इसमें सेव करता जाएगा आपके बैकअप में भी। ये कोड है, मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, आप इसको डीपली स्टडी कीजिएगा। और देखें हैंडलिंग क्लोब डेटा है सारा, और ये इंसर्ट कर रहा है उसमें, इंसर्ट द एक्सपोर्ट एप्लीकेशन कॉन्टेंट। तो ये हमने एक्चुअली फिर हमने ये बनाया एक, उसके बाद हमने क्या किया उस इसको हमने एक एप्लीकेशन बैकअप को एक क्लोब के कॉन्टैक्ट में ले लिया और फिर टेम्परेरी कन्वर्ट कर दिया हमने। और ये कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया, राइट। तो ये हमने एप्लीकेशन बैकअप देख लिया कि एप्लीकेशन बैकअप को हम कैसे लेते हैं वाया आपके किसी भी यूज़र इंटरफेस के साथ उन बटन क्लिक पर, राइट। तो अब देखते हैं हम डेटाबेस बैकअप क्या लेंगे। डेटाबेस बैकअप हम क्या करें, एक बैच फाइल बनाएंगे हम, उसके बाद जॉब शेड्यूलर बनाएंगे और फिर इसको जॉब शेड्यूलर रन होगा और फिर हम इसको मैनुअली भी रन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वर्कस्पेस की तरफ और इसको हम अचीव करते हैं। तो अब हम देखते हैं हम अपने डेटाबेस का बैकअप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बैच फाइल क्रिएट करें, ठीक है। ये पूरी एक बैच फाइल है, ठीक है। ये सी बैकअप एच आर, यहाँ पे मैंने एक बैच फाइल क्रिएट की है। आपने भी सिंपल क्या करना है, इसको लेना है और सी बैकअप पर, ठीक है जी, सी के बैकअप में ये एक बैच फाइल मैंने क्रिएट की हुई है सिंपल एज इट इज़, ठीक है। पाथ है यूज़र आईडी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या दे दिया, हमने उसका पाथ दे दिया, ओरिकल होम हमने बता दिया कि हमारी ओरिकल, ये जो हमारी ई एक्स पी डॉट एक्स ई कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, डी बी होम में, ठीक है ना। सेट पाथ ओरिकल होम बिन, ठीक है, यहाँ पर ये हमने दे दिया। और चलो इससे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओरिकल होम ये दे दिया, सेट पाथ आपका ये आ गया, ठीक है। और ई एक्स पी डॉट एक्स ई ये यूज़र आई डी, एच आर ये आपकी डेटाबेस स्ट्रिंग, ठीक है। और ये फाइल्स इज इक्वल टू सी बैकअप एच आर स्कीमा डॉट डी एम पी, यहाँ पर आपकी डी एम पी की फाइल सेव हो जाएगी। और उसके बाद क्या करें, लॉग फाइल आप ये दे दें, राइट। तो ये हमारी एक बैच फाइल क्रिएट है। बैच फाइल क्रिएट करना आपको पता ही होगा, सिंपल इसे कॉपी करें और यहाँ पे आके टेक्स्ट फाइल है ना, सेव कर दें, फाइल सेव एज,
यहाँ पे ऑल फाइल कर दें, abc.batch, इसका आप एक्सटेंशन देंगे तो आपकी बैच फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वो हमने सी सी बैकअप में एक बैच फाइल हमने क्रिएट कर ली। अच्छा, अब हम क्रिएट करेंगे एक जॉब शेड्यूलर। ठीक है, ये आपका जॉब शेड्यूलर है, इसको समझ लेते हैं। ये क्रिएट जॉब, एक जॉब बनती है, जॉब नेम हमने जॉब का नाम दे दिया है। ठीक है, जॉब टाइप क्या एग्जीक्यूटेबल है, और ये कहाँ पर है, ये आपकी ये बैच फाइल को जॉब एक्शन क्या है। नॉर्मली जैसे हम विंडोज़ में जॉब उसमें शेड्यूलर बनाते हैं कि आपका ट्रिगर कौन सा है और कब रन हो क्या हो, ये सेम एज आई है, मगर हम ये बना रहे हैं हम डेटाबेस में। सी बैकअप एक्सपोर्ट बैकअप डॉट बैच, ये आपका एक्शन है। अच्छा, ये स्टार्ट कब हो, स्टार्ट इमिजिएटली। ठीक है, और रिपीट इंटरवल, फिर अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली ओवर कितने बजे, 15, मतलब 3। तो अगर हम इसको ये कर लेते हैं 12:25 पर। ठीक है जी, अच्छा इसको आप आवरली भी कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को आप आवरली कर ले, इंटरवल 1 कर दें कि 1 घंटे के बाद आपका रन होगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ओवर कर ले, आवरली वो कर दें और इंटरवल आप इंटरवल 1 कर दें, तो ये आपका हर ओवर के बाद रन हो जाएगा। मगर ये हम क्या करें, डेली फ्रीक्वेंसी 12:25 पर ये रन हो जाए। ठीक है, और इनेबल ट्रू है, इसको आप कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पर आए अपने वर्क स्पेस में, ऑलरेडी ये जॉब बनी होगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है जी, इसको ड्रॉप करने के लिए, इसको ड्रॉप कैसे करते हैं, इसको इसको ऐसे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप जॉब। ठीक है, ये आपकी जॉब ड्रॉप हो गई, आप इसको दोबारा रन करें। जॉब आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, ये आपकी 12:20 पे ऑटोमेटिकली एक बैकअप आपके पास यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बैकअप आ जाएगा, राइट। अगर हम इसे मैन्युअली हमें चलाना, देखिए एक तो ऑटोमेटिकली आपके पास बैकअप आता जाएगा जॉब शेड्यूलर के थ्रू। ठीक है ना, अगर हमें इसे मैन्युअली रन करना है तो देखिए ये है रन जॉब, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे बना ली, ओके कर दिया, एप्लीकेशन बैकअप में हम यहाँ पर एक और बटन बना दें, DB बैकअप, और इसका एक डायनेमिक एक्शन बना दें, और इसको स्कूल कोड डाल दें, और यहाँ पे न्यू पे क्या है, क्लिक पे। ठीक है, क्लिक इवेंट है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने अब इस जॉब को मैनुअली रन कर दिया। तो क्या करें, शेड्यूलर रन जॉब, जॉब नेम दिस वन, तो कंपाइल करें, ओके करें, इसे सेव कर दें, राइट। अच्छा, ये कुछ और कमांड्स भी हैं हमारी, तो आप देख सकते हैं। HR में नहीं, ये होगा हमारा सिस्टम में, तो ये देखें, ये आपकी जॉब्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसका टाइम आप बता दें 10:42 पे, तो अभी एक रन हो जाएगी 12:20 पर, हमने इसको कहा रन होगा। देखिए यहाँ पे हमारा बैकअप आया, क्या टाइम दिया था हमने, 25 पर, चलें इसको 21। मैं वीडियो को पास करता हूँ और फिर देखते हैं इसको, तो अब तक 22 हुए हैं।
चलें ये 25 पे रन हो जाएगा। पहले हम देखते हैं, हम मैनुअली इसको रन करके देख लेते हैं जो हमने इस बटन के थ्रू इसको रन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सेव करें इसको, आप रन करें। पच्चीस पे तो रन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इसको मैनुअली रन करके देखते हैं कि डीबी बैकअप ओके करें। और यहाँ पर ये देखें 12:22 पे आपकी डीएमपी फाइल आ गई है, राइट। देखें 24 हो चुके हैं, 25 पे देखते हैं इसको कि रन होता ही नहीं था। 24 हो चुके हैं तो 25 पे रन होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी पड़ी है, HR स्कीमा डॉट DMP 12:22 पे रन हुई है। इसको 25 पे देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, देख लेते हैं इसको। 12:25 ओके, डेली 12:25 ये देखें, टाइम आपका चेंज हो गया, 12:25 पे ये रन हो चुका है। अच्छा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन और आ रही है, इसी पे इसको अपडेट कर रहा है, एक फाइल के ऊपर ही दूसरी फाइल को अपडेट कर रहा है। हम चाह रहे नहीं ये डेट वाइज, ये टाइम के हिसाब से हमें नीचे एक फाइल आती जाए, तो इसके लिए हम इसको अपनी थोड़ी सी बैच फाइल को चेंज कर लेते हैं। ये मैंने कुछ कोड लिखा है, इसको समझते हैं। ये डेट टाइम को गेट करने के लिए हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या सी ओरिकल प्रोडक्ट, ये डेटाबेस को मैंने पूरा पाथ दे दिया है। वहाँ से हम सेट सेट पाथ कर रहे थे ना, ये मैंने इसको पूरा पाथ दे दिया है। और ये आपका है एच आर, ठीक है। फाइल है, अच्छा हमने किस पे बनाई थी, सी पे बनाई थी। सी बैकअप HR, ठीक है। और उसके बाद ये टाइम स्टैम्प आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको आप सेव करें और अब इसको मैन्युअली रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये टाइम स्टैम्प के पास आपके फाइल आ रही है, चार पड़ी हुई है, ये दूसरी फाइल आपके पास आ गई है। अब इसको अगर आप दोबारा रन करेंगे इसको, तो एक और फाइल बना देगा ये देखें, ये टाइम स्टैम्प के टाइम के हिसाब से आपको ये फाइल बना कर देगा। तो आप इसको ये भी करते हैं कि आप ओवरराइड करने के बजाय इसको आप टाइम के हिसाब से अपना बैकअप लेते रहें, राइट। अगर आपको एप्लीकेशन का बैकअप लेना है तो ये आपको एप्लीकेशन का बैकअप आ रहा है, ये नीचे आपके पास, ये आपके पास आपकी एप्लीकेशन का बैकअप आ गया, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम अपने एप्लीकेशन के बैकअप को कैसे लेते हैं और अपने डेटाबेस के बैकअप को कैसे लेते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।